खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल बस स्टैंड में लगा अवैध बैरियर एक महिला यात्री की जान ले लिया। बताया जाता है कि राजकली गुप्ता निवासी पड़खुरी अपनी बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गढ़ जा रही थी। महिला जैसे ही हनुमना गेट पर लगे बैरियर के नीचे से गुजरी, बैरियर महिला के सिर में लगा और वह चक्कर खाकर दूर जा गिरी। थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। घटना से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर सबका पोस्टमार्टम कराने के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया है। मृतिका की बहन अनिता गुप्ता ने बताया कि उसे सूचना दी गई थी कि एक्सीडेंट हुआ है, जबकि शुक्ला ट्रेवल्स के कर्मचारी रामेश्वर मिश्रा ने बताया कि सिर में बैरियर लगने से मौत हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे सामान थाना पुलिस सुनील गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण क्या है स्पष्ट हो पाएगा। आइए सुनते हैं प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस का पूरे मामले में क्या कहना है। हालांकि बैरियर बस स्टैंड के गेट में किसकी अनुमति से और किसके द्वारा लगाया गया यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर लापरवाही ने महिला यात्री की जान ले ली। सर मैं अनिता गुप्ता हूँ, ये हमारी बहन है शिवकली गुप्ता। हम तो भैया इसका राजकली गुप्ता नाम है, मौसी मेरी है। राजकली गुप्ता नाम है सर। और हम वहाँ से आए तो इसको देखे थे, ये में घायल थे। यहाँ से फोन आ गया कि आपकी बहन की एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग यहाँ दौड़े चले आए। अभी ये नहीं जानते क्या हो गया इसको। ये कहाँ रहते हैं, कहाँ घर है इसका? परखुरी में है। क्या नाम है? शिवकली गुप्ता। राजकली गुप्ता जी। कहाँ जा रही थी? ये यहाँ से गढ़ जा रही थी। रमेश गुप्ता नहीं, इसकी बेटी की सेकंड मैरिज हो रही है। वहाँ पे बैरियर गिरा, उसके कंगे में लगा, सिर में लगी, मैं नहीं देख पाया, लेकिन यहाँ पे आके चीट गिर गई है। आपके सामने बैरियर जी? मेरे सामने बैरियर गिरा है। रामेश्वर मिश्रा, मैं बैकुंठपुर हटवा का हूँ, मैं ही शुक्ला ट्रेवल्स में काम करता हूँ जी। घाट तो मैं चूँकि मोटर मालिक हूँ, मैं तो यहाँ पे आ गया। महिला किधर से आ रही थी? इधर से आ रही थी, इधर से। बैरियर कैसे गिरा सर? उसको बैरियर ये खींच रहा था, वो का नाम से बटन सिस्टम है बैरियर, अचानक उसके ऊपर गिर पड़ा। महिला कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी, कुछ जानकारी आपको? महिला जो है तो परखुरी से आई थी, गढ़ जा रही थी। बैरियर मौत हो गई है? वहाँ से लाद के ले आए तो पहले नहीं अंदाजे दिखे कि मौत हुई। बैरियर गिरना किसकी लापरवाही मानते हैं? ये सौंदर्या की है। पूरा बस स्टैंड हम लोग 24 गाड़ी हमारे पास है शुक्ला ट्रेवल्स में, पूरा गुंडा राज उसका चल रहा है, चौरा तक भेज दिया उसने। और आप ये समझिए आम आदमी को निकलने का रास्ता नहीं है। इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? इस मौत का जिम्मेदार सौंदर्या। मेरा नाम हीरामन शुक्ला है। करवाता है ना? जे जे। भाई साहब ऑटो से बैठ, और ये समझिए आपको बता रहे हैं गोमती से 200-200 रुपए का नाम से जबरदस्ती मार के उसके गुंडे लेते हैं। अगर कोई धोखा से बाथरूम कर दिया तो 500 रुपए लेते हैं। भैया हमारा नाम राजेश गुप्ता गुड़ है। ये महिला जिसकी मौत हुई है कौन है? ये हमारी सक चाची है। कैसे घटना हुई? घटना यहाँ पे बैरियर की लापरवाही से हुई है। बैरियर के ठोकर से इनका वो एक्सपायर हो गई है झटके से। ये अभी हमारे घर से गुड़ से नहा धो के खा पी के सुरक्षित होके आई हैं, और मेरे को यहाँ बताया गया कि बस से गिरी है और ठोकर लग गया है। ये सबसे ज़्यादा लापरवाही इस बैरियर की और यहाँ की प्रशासन की और यहाँ की सुरक्षा कर्मियों की है। महिला कहाँ जा रही थी? महिला जा रही थी गढ़। ये चोट कहाँ लगी महिला? चोट लगी है सर में। घटनास्थल पर मौत हुई है। बैरियर गिरना किसकी लापरवाही मानते हैं? बैरियर गिरना लापरवाही बैरियर कामकर्ता की। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे कुछ भी नहीं है, बस यही हो कि जो हो न्याय वही उचित सही जांच हो। अभी क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ? अभी कर रहे हैं जो हमारे बोल रहे हैं साहब कि पीएम कराओ पहले, उसके बाद जो होगा तो होगा। अभी बस स्टैंड में अपने लड़के के साथ आई और कुछ लोग बता रहे हैं कि अटैक आया, कुछ लोग बता रहे हैं कि धक्का लगा, बस में चढ़ रहा था उनका लड़का बता रहा है। हमारे को इंटीमेशन हो रहा है उसका पीएम पंचनामा कार्रवाई होगी। जो भी होगा पीएम से क्लियर हो जाएगा, फुटेज भी आ जाएंगे और जो भी देखे होंगे उनके बयान हो जाएंगे, उससे स्थिति क्लियर हो जाएगी।